प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। प्यारे बच्चों, आज पढ़ाने जा रहे हैं भारत शब्द की उत्पत्ति और भारत शब्द कहाँ से आया और इसके बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों के आधार पर हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में आज हम वास्तविक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे भारत किसके नाम पर रखा जाए। यहाँ पर दोनों ही स्रोतों के आधार पर प्रमाणिक रूप से जानकारी देंगे। जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पहुँचाएं, आपसे उम्मीद करते हैं। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, पहला यानी कि भारत से लेकर के चलते हैं। यहाँ पर जो भारत है और जो भारतवर्ष है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द पहले किस यानी कि ग्रंथ या किस साहित्य में आए या इसकी वास्तविक उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर रामायण को आप देखा होगा, ये एक ग्रंथ है, रामायण एक ग्रंथ है और आपने विभिन्न जो त्योहार है, जो रामायण हमारे देश में मनाई जाती है, जो वाल्मीकि कृत यानी कि रामायण को लिखा गया है और भी विभिन्न राइटरों ने रामायण को लिखा है, जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो रामायण ग्रंथ के अनुसार जो राजा जो दशरथ के पुत्र और माता केकई के पुत्र यानी कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और ऐसा जो किताब है, पुस्तक है, उनमें भी पढ़ाया जाता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये है स्मृति प्रधान आधारित हैं, श्रवण अनुश्रुति परंपरा पर आधारित ग्रंथ है जिसकी प्रमाणिकता आज भी अधिक संदिग्ध है, यानी कि प्रमाणिकता के दायरे में ये यानी कि कठोर यानी कि सही नहीं उतरते हैं। हमारे इतिहासकार और हमारे भारतीय संविधान ने इन चीजों को, इन ग्रंथों को, ठीक है, अपनी आस्था का विषय माना है, ठीक है। इन ग्रंथों के आधार पर संविधान जो है हमारा कहता है कि जो पहले के अंधविश्वास और परंपरा तो कुर्तियां जो कर्मकांड चलते आ रहे थे उनका, ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत पूर्णता यानी कि, ठीक है, उसका, ठीक है, निषेध करता है हमारा भारतीय संविधान, क्योंकि इनके आधार पर नहीं चलेगा। यहाँ पर देखेंगे सेकंड में महाभारत ग्रंथ है, इसका आदि पर्व है, आदि पर्व और पद्म पुराण, ठीक है, दो ध्यान रखेंगे, पद्म पुराण, ठीक है, पुराण है और एक महाभारत का आदि पर्व। इसमें बताया गया है कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, ठीक है, और शकुंतला के पुत्र, ज्यादातर किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि जो कि भारत, भारत से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा और यही किताबों में पढ़ाया जाता है। अब ये कितना प्रमाणिक है, कितना ऑथेंटिक है, कितनी कहानियां हैं, कितनी अनुस्मृतियां हैं, जिसको इतिहासकारों ने भी इसको प्रमाणिक नहीं माना है और बहुत ना बहुत ज़्यादा लॉजिकली है और ना ही ये बहुत तर्क और विज्ञान पर आधारित है। तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी, इसमें भी ये ही कहानी दर्शाई गई है, जो आजकल हमारे देश में जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जो चल रही हैं, उनमें सब में यही कहानी रखी गई है और कालिदास ने के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी यही कहानी को बार बार दोहराया गया है और एक नाटक के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो ये कहानी है, कहानी है, यहाँ पर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि भरत नाम का हमारे हिस्ट्री में कोई भी कहीं अच्छी तरीके से जिक्र नहीं किया गया है। अगर स्टार्टिंग है तो वहाँ पर दिवोदास के पुत्र सुदास से स्टार्टिंग होती है, पीछे आप देखेंगे दशराज युद्ध को। तो यहाँ पर इन ये कोई प्रमाणिक नहीं है, ये अनुश्रुतियां हैं, इनके आधार पर यानी कि हमारे भारत का नाम रखना उचित यानी कि नहीं है।
यहाँ पर देखेंगे जैन ग्रंथ, यहाँ पर मरु देवी के पुत्र ऋषभदेव और यहाँ पर पुत्र यानी कि भरत, एक यानी कि भरत, एक भरत कौन है, ये भरत दशरथ के पुत्र, दूसरे है राजा दुष्यंत के पुत्र, तीसरे है ऋषभदेव के पुत्र, ठीक है यहाँ पर देखेंगे। और एक भरत है मत्स्य पुराण में यानी कि भरत, मनु को भरत कहा गया, प्रजा और जन्म का भरण पोषण करने वाला। और आपने मनुस्मृति को पढ़ा होगा तो वहां पर देखेंगे कि मनुस्मृति को हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको यानी कि कही कि आज से मैं ये चीजों को मनुस्मृति जो पहला संविधान है उसको आज से ही यहाँ पर मानने के लिए यानी कि इसका निषेध करते हैं, यानी कि मनुस्मृति को उसी दिन से मनु के संविधान को खत्म कर दिया और हमारे देश का नया संविधान है। तो यहाँ पर ये जो भारत है, भारत है तो इसके नाम पर ये एकदम जो किया जा रहा है ये सरासर गलत है, कोई प्रमाणिकता इन ग्रंथों की नहीं है। यहाँ पर अगला देखेंगे ऋग्वेद में धर्म ग्रंथ है, यहाँ पर दिवोदास के सुदास और यहाँ पर उनका कबीला दिया गया है, वह कबीला है और जो ज्यादातर इतिहासकारों ने ठीक है भरत कबीला या जन को माना है, कोई यानी कि इतिहासकार इस चीज को मानने के लिए किसी यानी कि साहित्यिक स्रोत के जो आपके काल्पनिक और श्रुतियों के आधार पर है कोई इतिहासकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि भरत नाम का कोई हमारे देश में राजा था। लेकिन आज भी हमारे स्कूलों में विद्यालयों में यही चीज को बार बार पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर तिब्बती परंपरा के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर मंजूश्री मूलकल्प ठीक है 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है और ये इसका स्रोत है विजडम यानी कि लाइब्रेरी में, ये तिब्बती बौद्ध का है और इसमें मंजूश्री का अर्थ है ज्ञान के बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़े क्रिया ठीक है तंत्र और तंत्र यानी कि विरज्ञान शाखा का एक ये ग्रंथ है। यहाँ पर मंजूश्री ठीक है तो यहाँ पर भी यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर भी बाद में जाकर के यानी कि बहुत सारे तंत्र मंत्र और कर्म कांड यहाँ पर बढ़ गए थे, लेकिन हम कर्म कांड पर नहीं यहाँ पर जा रहे कि इनके अंदर बढ़ गए थे, लेकिन इन्होंने शाक्य जो मुनि है ठीक है इसमें लिखा है यहाँ पर भरत ये जो आया है इस किताब से ये प्रमाणित होता है, इस प्रमाण से इससे होता है कि भरत यानी कि भारत ठीक है भरत का मतलब है यहाँ भारत ठीक है तथागत। यहाँ पर देखेंगे जो भरत है भरत का यहाँ पर जो शब्द है इसको सही कर लेंगे, भरत शब्द का मतलब है यहाँ पर भरत का मतलब है यहाँ पर ये बोध से है, किससे है बोध से, यहाँ पर भरत का मतलब है बुद्ध, क्या है बुद्ध से है और तथागत का मतलब है ज्ञान से, ज्ञान से ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भरत ठीक है भरत का मतलब बुद्ध, तथागत का मतलब ज्ञान का नाम है ठीक है ज्ञान का नाम है ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि बुद्ध ज्ञान का नाम है, बुद्ध क्या है ज्ञान का नाम है और यहीं से जो बुद्ध है वो शब्द आया है यहाँ पर ये भरत आया है। यहाँ पर बुद्ध शाक्य मुनि सबसे बड़े दार्शनिक थे और विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर इनकी उपस्थिति है और मौर्योत्तर काल में यूनानी और पहलव सातवाहन शक और कुषाण आदि यानी कि बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर रहे हैं। उस समय की बात कर रहे हैं जब ये यानी कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, उस समय भारत कहाँ से ये शब्द आया है। यहाँ पर जो अगर हम ऋषभदेव की बात करते हैं इनके पुत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जैन वंशावली और ज्यादातर जो इतिहासकार है इसको भी लेकर के बहुत संदिग्ध हैं और प्रमाणिक जानकारी इसको नहीं मानते, इसलिए यहाँ पर ठीक है ये बहुत पहले की बात यहाँ पर रखी गई है और जो एक ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। अब देखिए क्योंकि इतनी वहाँ पर है और उस समय जब यहाँ पर ये भरत है
और यहाँ पर जो भरत है ठीक है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है और शाक्य मुनि है इस समय, ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है ठीक है, प्रमाणिक यहाँ पर जानकारी है। ये सब घटनाएं जो है यानी कि काल्पनिक अनुसूतियों के आधार पर ग्रंथों को लिखा गया है, श्रवण परंपरा से आधारित ग्रंथ हैं, वो प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं करते और उसमें बहुत सारी जो कहानी किस्सों के आधार पर हजारों ठीक है कई हजार साल, और अगर उनके अनुसार माना जाए तो वो तो बताते हैं कि ठीक है दसियों हजार पहले ये ग्रंथ लिखे गए थे। यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट में ठीक है, दस या पांच या छह हजार वर्ष पहले ये घटनाएं घटी जब ग्रंथ लिखे और लोग पढ़ना ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत थी वो ओरल मौखिक भाषा थी, लोग लिखना ही नहीं जानते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ओरल परंपरा चली आई और तो उसमें बहुत ज्यादा त्रुटि और संदिग्धता दिखाई देती है जो प्रमाणिकता से बहुत परे है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं खारवेल का अभिलेख, ये आपका साहित्यिक स्रोत है हाथी गुंपा अभिलेख, और इसमें जो राजा खारवेल है इनका समय माना जाता है ठीक है, जो ज्यादा मानते हैं ऑथेंटिक ये है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास है, तो हमने यहाँ लिख लिया प्रथम शताब्दी के आसपास का, मतलब पूर्व और बाद ठीक है, यहाँ पे है इनका है दिया गया है जो सभी इतिहासकार मानते हैं, ये प्रमाणिक जानकारी दी गई। आगे यहाँ पे जो स्थान जो दिया गया है, यहाँ पे जो स्थान है इसमें ठीक है, ये भुवनेश्वर में हाथी गुंपा अभिलेख कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर कहाँ पर है, उदयगिरी की पर्वतमाला के पास, इसमें उदयगिरी की पर्वतमाला में रानी गुंपा, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में, यहाँ पर उड़ीसा में है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये बहुत क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आते हैं, ऊपरी भाग में यहाँ पर पाली प्राकृत भाषा में और नीचे धम्भ लिपि में 17 यानी कि पंक्तियाँ उसमें लिखी गई हैं जो कि ब्रह्मी लिपि में है। अब यहाँ से आप देखेंगे धम्भ यानी कि जो ब्रह्मी लिपि है वो ही धम्भ की लिपि है, जो पाली भाषा है वो पाली भाषा किसकी है, धम का मतलब है यहाँ पर यानी कि बुद्ध से रिलेटेड है। यहाँ पर ललित विस्तार में भी ठीक है लिपियों का उल्लेख किया गया है और शुरुआत में इस अभिलेख में जो लिखा है ठीक है नमो अरहतो नमस्कार, तो जो नमो अरहतो जो शब्द है ये दोनों के लिए ही आता है, जैन और बुद्धों के लिए ही आता है जो अरहत है, और अरहत किसका है, समण परंपरा का, समण परंपरा का मतलब है बौद्धों की परंपरा का है। आगे चलते हैं, यहाँ पर राजा खारवेल ने 21 वर्ष में दक्षिण में तमिल संघ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, तमिल संघ तिरुमा ठीक है तिरुमारी संगठन को पराजित किया और तमिल के तीन राज्यों का ये संघ था ठीक है, चोल चेर पांडे का ये देश था, उनको पराजित किया, और यहाँ पर आ गए खारवेल ने जैन धर्मावलंबी, यहाँ पर बताया गया है ठीक है, उनके अनुसार बताया गया है जो इतिहासकार है उनके अनुसार है, लेकिन इनको देखने से आपको पता लग जाना चाहिए पाली प्राकृत भाषा और धम्म लिपि और जगह नमोतर्ष से ये यानी कि इतिहासकारों ने कुछ चालाकी करके इस तरह से ये जैन धर्मावली के रूप में ठीक है एक्सप्लेन किया होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर 12वें वर्ष में कलिंग की जिनकी प्रतिमा ठीक है यहाँ पर लिखा है 30 जिसे 300 वर्ष पूर्व नंद शासक महापनम नंद, इसको ध्यान रखेंगे ये पूछ लेता है नंद वंश ठीक है, नंद वंश को ध्यान रखेंगे यहाँ पर महापनम नंद, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहे हैं, इनको कौन सी उपाधि है, सर्व छत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भार्गव ठीक है, भार्गव यानी कि परशुराम का अवतार, और यहाँ पर एक रात और एक छत्र के इन्होंने उपाधियां धारण की, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर हाथी गुंपा जो अभिलेख से पता चलता है कि जो नंद राजा है
ठीक है, कलिंग पर को जीता था, और बाद में जो जिन प्रतिमा है, जो यहाँ पे जिन सेन है, वो ऋषभ देव से यहाँ पे लगाया जाता है कि वो शायद ऋषभ देव की प्रतिमा होगी, उसको उठा करके मगध ले गया। और 300 वर्ष बाद शासन के 12वें वर्ष में इस जैन प्रतिमा जो थी, जैन जिन सेन की जो थी, इसको लेकर के राजधानी वापस लौटा कौन, खारवेल लौटा था। ठीक है, यहाँ पर गए नंद वंश के, ठीक है, कौन लौटा गया, हाथी गुम्पा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो नंद राजा था वो यानी कि जिनसेन की प्रतिमा को 300 वर्ष पहले ले गया था, और जिसे यानी कि वापस जो लाया, ठीक है, प्रथम शताब्दी में इसी में कौन लेके आया, और यानी कि मगध वंश के जो राजा थे बृहस्पति मित्र थे, उनके पर आक्रमण किया और ठीक है उनको घेरा डाला, और तब वो लेकर के आए, इस तरह से वहां से जानकारी इससे मिलती है। तो आगे पढ़ रहे हैं आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ पर 5वें वर्ष की बात करते हैं, खारवेल ने कंसुली नहर का भी निर्माण किया, और ये नहर किसने बनवाई थी, यानी कि नंद राजाओं ने बनवाई थी, और बाद में यहाँ पर वो इसी नहर से यानी कि कलिंग तक यानी कि नहर को लेकर आया था। आगे यहाँ पर राज्याभिषेक के 13वें वर्ष की बात करते हैं, उदयगिरी की जो रानी गुम्पा अभिलेख है, और आथिका खंडगिरी की अनंत गुफा, तो इनको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये पूछ लेता है कि यहाँ पर ये कौन सी गुफा है, उदयगिरी और ये खंडगिरी अनंत गुफा की पहाड़ियों को काट कर, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके आएंगे पक्का। ठीक है, ये नहर के बारे में पूछ लेगा, और यहाँ पर ये पूछ लेगा जिन प्रतिमा को कौन ले गया था कलिंग से, और कौन लेके आया, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आगे यहाँ पर पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के लिए आवास और गुफा बनवाए, ठीक है, किसने, खारवेल ने बनवाए थे। यहाँ पर गुफाओं को उत्कीर्ण किया, और यहाँ पर भित्ति चित्रकला की भी यहाँ पर उच्च कोटि की चित्रकला यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, आगे 8वें वर्ष में इसमें लिखा है, हाथी गुम्पा अभिलेख को हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, खारवेल ने उत्तर के उत्तर भारत पर सैनिक अभियान किया, और यहाँ पर जो मगध पर आक्रमण किया, किस पर, मगध पर आक्रमण किया, और यहाँ पर मगध में इस समय, ठीक है, जो इस समय तत्कालिक जो थे, या तो जो यवन आक्रमणकारी थे, जो यवनों ने आक्रमण किया था, और यहाँ पर डेमोट्रीशियस जो कि यवन थे, कौन थे, यवन, यानी कि उत्तर पश्चिमी पूर्वोत्तर में पूरा जो साम्राज्य था वो किसके पास था, डेमोट्रीयस के पास था, जो कि यवन आक्रमणकारी थे, जो हमारे भारत पर आक्रमण किया था यवनों ने, और यह जो यवन थे वो कौन से, यानी कि बुद्ध परंपरा से थे, और यहाँ पर भी जो है यानी कि भीम कन्फ्यूशियस जो थे वो भी यानी कि कुषाण वंश के जो थे पहले, तो उनसे भी इनका अर्थ लगाया जाता है कि उस समय खारवेल ने इन पर आक्रमण किया, यानी कि उत्तरापद के जो स्वामी थे उन पर वहां पर आक्रमण किया। अब देखेंगे आगे इससे क्या आपको प्रमाणित हो जाएगा पूरा। यहाँ पर गोरख जो गिरी है, गुफा है, जो बराबर की पहाड़ी है, जो अशोक द्वारा निर्मित की गई थी, यहाँ पर इसमें लिखा गया है उनको ध्वस्त किया और राजगृह को यहाँ पर घेरा, और यहाँ पर जो यवन राजा डेमोटियस डिमिस से वहाँ पर दिया गया है, जो कि 183 ईसा पूर्व में, और उसी समय यानी कि राजा खारवेल का समय था, और वही यहाँ पर समय था, तो यानी कि समकालीन यानी कि यहाँ पर ये राजा थे। यहाँ पर 183 ईसा पूर्व पंजाब की जो क्षेत्र था यहाँ पर, यानी कि यमन की जो राजधानी थी सियालकोट थी, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि भारतीय राजा के रूप में ये यहाँ पर यमन रहे हैं। आगे यहाँ पर उपाधि धारण की, और यहाँ पर सिक्के भी इन्होंने चलाए, और यूनानी और खरोष्ठी लिपि, ये सब यानी यूनानी और खरोष्ठी लिपि ये सब बौद्धों की लिपि है, अशोक के अभिलेख में आप पढ़ सकते हैं, तत्शिला पर को राजधानी में, तो यहाँ पर तत्शिला और ये जो क्षेत्र है पूरा
ये किसके कब्जे में था इस समय, यानी कि जो बौद्ध थे, ऐसा समझिए बौद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे यवन राजा, उनके कब्जे में था। और यहाँ पर जो यवन जो राजा है वो फिर कहाँ पर आ गया, मथुरा तक आ गया यहाँ पर। और गंधार शैली सिकंदर के समय में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। तो गंधार शैली और मथुरा शैली में जिक्र किसका किया गया है, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं या वहाँ पर जैन धर्म की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं ज़्यादातर यहाँ पर। ये यानी कि परंपरा इस समय जब राजा खारवेल था, ये यानी कि परंपरा हमारे भारत में थी, जिसे कहते हैं समण परंपरा थी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी कि समण परंपरा थी यहाँ पर यवन मिनांडर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते रहेंगे क्या इस समय जो राजा खारवेल जो कह रहा है, तो इस समय यहाँ पर जो राजा थे किस धर्म के अनुयायी थे और किस धर्म को वो मानते थे, और वो किस जो वो धर्म की जो बात, उस क्षेत्र की जो बात कर रहा है, उत्तरापथ की बात जो करता है, उसको किस नाम से जानते थे, उसी को जानते हैं भरतवास। क्या है, भरतवास के नाम से जाने। भरतवास का मतलब है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने ज़्यादा समय अपना बिताया था, और ठीक है जो मगध का और गंगा का जो क्षेत्र था उसमें महात्मा गौतम बुद्ध ठीक है वहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। और उसी दौरान जो गंधार और जो मूर्ति कला है, इससे भी ये प्रमाणित होता है कि उस समय में प्राचीन भारत में जितने भी आप राजा महाराजा लेंगे तो उस समय में ज़्यादातर बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। और उसी समय राजा खारवेल कहता है क्या उत्तरापथ को बताता है, यानी कि भरतवास, यानी भरतवास या भारतवर्ष जो शब्द आया है वो किससे आया है, जो राजा खारवेल के हाथी गुम्पा अभिलेख में पहली बार जिक्र किया है, जिससे हमें पुरातात्विक सामग्री मिलती है। इसके आधार पर ये प्रमाणित होता है कि इस समय यानी कि जो भरतवास है, जो राजा खारवेल है, वो महात्मा गौतम बुद्ध यानी कि भरत तथागत ठीक है उनके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जो साकल है, यहाँ पर साकल इनकी राजधानी थी। साकल का मतलब है यहाँ पर सियालकोट। क्या है, सियालकोट। सियालकोट कहाँ पर है, यहाँ पर ये पंजाब में है। और अब ये पंजाब कहाँ पर है, जो कि ये जो क्षेत्र है वो पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान में ठीक है। इसका मतलब है वहाँ से जो पूरा क्षेत्र है और यहाँ तक जो मथुरा तक का, वो यानी कि यवन आक्रमणकारियों के था। और यवन आक्रमणकारी कौन थे, बौद्धिस्ट थे इस समय। तो यहाँ पर मिलिंद पनो में बौद्ध शिक्षु नागसेन के बीच में भी इससे भी प्रमाणित होता है बीच वार्तालाप हुआ। और यहाँ पर सिक्कों पर सर्वप्रथम यानी कि लेखयुक्त सिक्के यहाँ पर ये पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, सब ये एग्जाम में आएंगे आपके, आगे समझेंगे। यहाँ पर राजा मिनांडर के बीच वार्तालाप बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के राजा नाम की उत्कीर्ति थी, और सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए, यहाँ पर कांस्य मुद्रा, धर्म चक्र चिन्ह किसका है, महात्मा गौतम बुद्ध का। यहाँ पर तिर भाषिक लेख और मुद्राएं चलाई, और ये सब किससे रिलेटेड है, क्योंकि इस समय जब यानी कि कलिंग का जो राजा है खारवेल, वो कह रहा है उत्तरापथ, और उत्तरापथ में किसका यहाँ पर सत्ता, यानी कि बौद्ध, और उसी को कह रहा है वो भरतवास यानी कि भारतवर्ष कह रहा। इसका मतलब है कि उस समय जो भारत, जो भारतवर्ष यहाँ पर भरत जो शब्द आया, ऐसा प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, मंजूश्री मूल कर के जो साहित्य है वहां से भी प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें दोनों ही चीज मिल रही है, साहित्यिक जानकारी भी मिल रही है और पुरातात्विक भी जानकारी मिलती है। लेकिन भरत जो वहां पर दिया गया है, जो रामायण का भरत, महाभारत का भरत, पुराणों का भगत या भरत या जैन ग्रंथों के भरत की कहीं भी पुरातात्विक सामग्री नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ साहित्यिक स्रोत वहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों ही चीज मिल रही है। यहाँ पर खारवेल के उत्तरी भारत ठीक है जीतने के आसपास रहा ठीक है, सफलता यहाँ पर नहीं मिली।
ठीक है, खारवेल यानी कि इस क्षेत्र को जीतने में असफल रहा, इसका मतलब कहने का है यहाँ पर खारवेल को ज्यादा सफलता नहीं मिली। यहाँ पर हाथी गुम्पा अभिलेख में इस सब जानकारी दी गई है, ये कहाँ से लिए गया है, इसके स्रोत भी हम आपको यहाँ पर इसी वीडियो के में अंत में दे देंगे, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पर ठीक है, नौवें वर्ष खारवेल ने महाविजय प्रसाद किया था, वहां पर जो लूटपाट की थी यानी उत्तरापद पर जो आक्रमण किया था यवन या कुषाण वंश के शासकों पर या सुंग वंश के शासकों पर किया था, तो वहां से जो उसको धन प्राप्त हुआ था या एक धनी कोई व्यक्ति था उसने काफी पैसा लगा करके और यानी कि महाविजय प्रसाद को बांटा गया जिसमें ब्राह्मणों के लिए बुलाया गया था, ठीक है, और यहाँ पे सोने का कल्प वृक्ष दिया, जो ये कल्प जो वृक्ष है ये तीनों ही धर्मों में चलता है, यानी कि कल्प महात्मा गौतम बुद्ध से भी है और कल्प वृक्ष जिनके पीछे ज्ञान प्राप्त किया और जैनों में भी है जो कि ज्ञान प्राप्त किया और ये हिंदुओं में भी है कल्प वृक्ष, यानी तीनों धर्मों में कल्प वृक्ष है। यहाँ पे जो अश्व है गज है और रथ है ये आदि भेंट किए यानी कि जो ब्राह्मणों को दिए। आगे चलते हैं दसवें वर्ष की बात करते हैं तो खारवेल ने ठीक है क्या क्या के जब उनको जीत नहीं पाया तो असफलता मिली तो राजा खारवेल ने दंड और गठबंधन और सुलह की तीन गुना नीति का पालन करते हुए ये सब लिखा गया है हाथ यानी कि खारवेल के जो हाथी गुम्पा अभिलेख में हम जानकारी दे रहे हैं उसके में लिखा गया। यहाँ पे कहा है कि उसने भरतवास के खिलाफ एक अभियान किया। भरतवास का मतलब है जो भरत यानी कि तथागत बुद्ध का भरत। वहां पे आगे देखेंगे पुनः पृथ्वी विजय हेतु यानी कि भारतवर्ष पर ये शब्द आया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुनः उसने फिर ठीक है पहला आक्रमण किया हुआ उस समय डिमेट्रियस और जो यवन या कुषाणों का शासक था उस पर आक्रमण किया या उस समय यानी कि सुम का शासन था, ठीक है वहां पर। और उसी समय खारवेल कह रहा है कि पृथ्वी विजय हेतु उसने भारतवर्ष पहली बार जो आया है ऐतिहासिक और पुराण जो हिस्टोरिकल पुरातात्विक साक्ष्य है वो इससे प्रमाणित होता है। वो कह रहा है भारतवर्ष का मतलब है गंगा घाटी क्षेत्र और गंगा घाटी क्षेत्र का मतलब है जो मगध और मगध के जो आसपास का जो क्षेत्र है या उत्तरोत्तर भारत का जो क्षेत्र यानी कि वहां से क्योंकि पहला हमारा भारत का डिवाइडेशन तो जो अफगानिस्तान है वो भी हमारे भारत में ही आता था, पाकिस्तान भी वही हमारे भारत में आता, यानी कि ईरान तक क्या था हमारे जो देश में ही लगता था हमारे देश में ही आता था और वो तो बाद में उसके विभाजन होकर के वो उसके खंड बने, तो इस चीज को ध्यान देना यहाँ जरूरी है मैं समझा रहा हूँ। तो भारतवर्ष का मतलब है यहाँ पर पूरा उत्तरी भाग, तो उत्तरापथ का मतलब कलंक से उत्तर की ओर जितना भी है वो भारतवर्ष है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार किया और यानी कि अभिनय जो सात जो अभिलेख थे अपने जो अवशेष है वो भी यानी कि जो राजा महाराजाओं ने अपने अपने जो जहाँ पर साम्राज्य थे उसमें उन अवशेषों को गढ़वाया तो उसको कहते हैं हम भरतवास यानी भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष जो है यहाँ से ये प्रमाणिक जानकारी यहाँ से मिल रही है लेकिन इसको इतिहासकारों ने ठीक है अलग ढंग से इसको प्रसारित किया गया है, यहाँ पर विशेष सफलता नहीं मिली है। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, क्या है अलग अलग मत हैं, कोई यानी कि इतिहासकार यानी कि किसी दबाव या प्रेशर में या अच्छी जानकारी ना होने से वो यानी कि या किसी विशेष समुदाय से रिलेटेड होने के कारण उसको यानी कि कुछ बड़ा चढ़ाकर वहां पर क्या, तो यहाँ पर ये एकदम आपको ऑथेंटिक जानकारी है, ये हमने कहाँ से लिए वो भी हम आपको समझा देंगे। तो इससे ये होता है आपको ये देखना है कि इस समय क्योंकि प्राचीन भारत में हर जगह आप देखोगे अशोक के समय में तो वहां पर पूरा भारत में
यानी कि बुद्ध ही बुद्ध आपको दिखाई देगा, मूर्ति विहार अभिलेख शिलालेख स्तंभ लेख हर जगह आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है वो भारतवास जो कह रहा है या भारतवर्ष वो कहता है, और वो ऐसा वो किसके लिए कहा जा रहा, यानी कि तथा भारत का मतलब है बुद्ध से, और तथागत यानी कि ज्ञान उस क्षेत्र की बात कर रहा है, उसको ध्वस्त करने की उस पर वहां पर आक्रमण उसने किए थे। यहां पर देखेंगे अब इन यानी कि किन लोगों ने ठीक है इस कलिंग के राजा को यानी कि बुद्धों पर आक्रमण करने के लिए किन राजाओं का वो सहारा लेता है, किन लोगों को वो यानी कि इस चीज को बांट रहा है। ठीक है, इससे देखिए आप पढ़िए, इसको प्रमाणित हो जाएगा। आप इसको देखिए, आप यहाँ पर ग्यारहवें वर्ष यहाँ पर आप खुद जज करें, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप खुद जज करेंगे। यहाँ पर खारवेल ने पुनः फिर अभियान किया, ठीक है, बारह में ग्यारहवें वर्ष, और यहाँ पर दक्षिण की ओर यहाँ पर फिर अभियान करता है, और यहाँ पर जो तमिल संघ है यहाँ पर जो है यहाँ पर भेदती तिरुमय के संघ ये अभिलेख में लिखे गए हैं सभी, कुछ चीजें वहां से मिट भी गई हैं, लेकिन यहाँ पर पिछली प्रमाणिक यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर तीन राज्यों के चोल चेर और पांडे थे, आपने सबने पढ़ा होगा ये यानी कि तीन यानी कि राजाओं का संगठन था, और इसको यानी कि परास्त किया था यानी कि राजा खारवेल, ऐसा अभिलेख में कह रहा है। आगे तेरहवें वर्ष में केतु भद्र की प्रतिमा के साथ उसने जलूस भी निकाला था, और यहाँ पर कौन यहाँ पर लोग बढ़ावा दे रहे थे वो आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा, वो किस किन के साथ मिलकर के और किस तरह से यानी कि महाविजय जो कर रहा है और जलूस निकाले जा रहे हैं उनको, यानी कि किन को वो चीजें बांटी जा रही हैं या किन को उपहार स्वरूप वहां दिया जा रहा है हर विजय पर। तो यहाँ पर कौन लोग थे ये, यहाँ पर बारहवें वर्ष आप यहाँ पर खुद जज कर लेंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं हाथी गुम्पा अभिलेख की सही जानकारी। यहाँ पर खारवेल ने पुनः दो अभियान किए, यहाँ पर उत्तर भारत पर, और यहाँ पर उत्तरापत स्वामी, देखिए यहाँ पर उत्तरापत स्वामी का मतलब है मगध पर उसने आक्रमण किए, और दक्षिणापत के स्वामी पर भी वहां पर आक्रमण किए, और जो ये सब जो थे यानी कि तो यहाँ पर उत्तरापत की बात करता है, तो उत्तरापत में का मतलब है वहां पर नरेश को पराभूत किया और चरणों की वंदना करवाई, ठीक है, मगध नरेश को पराजित किया, और इस समय जो मगध नरेश था यहाँ पर उसमें जो लिखा है ये ठीक है वह सपति मित्र, या इसको वैसपति मित्र से इसका समीकरण किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर की जाती है इतिहासकारों के अनुसार। आगे यहाँ पर जो कलिंग जो था, कलिंग की जिनसेन की जो प्रतिमा थी ठीक है यहाँ पर लेकर के आया था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको ले पहले 300 साल पहले कौन ले गया था, नंद यानी कि शासक, इसका भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है वो कौन है, महापद्म नंद, वहाँ पर नंद शासक लिखा है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा थे शायद इसका यानी कि महापद्म नंद थे वो। आगे यहाँ पर मगध ले गया था और फिर वापस लेकर के कलिंग में वो यानी कि जिनकी प्रतिमा को लेकर आया था, लेकिन महापद्म नंद ने यानी कि जिनकी प्रतिमा को ध्वस्त नहीं किया था, नष्ट नहीं किया था, उन्होंने वहां पर अपने वहां पर ले जाके किसी भी दृष्टि से रख दी थी, इसलिए ये नहीं है कि महापद्म नंद यानी कि वो जैनों के विरोधी थे, इससे ये प्रमाणित, क्योंकि अगर विरोधी होते हैं तो वो ज्यादातर राजा महाराजा रहे हैं उस विचारधारा को नहीं मानते, तो वो उस चीज को क्षतिग्रस्त करते हैं विरोधी लोग, लेकिन यहाँ पर कोई क्षतिग्रस्त नहीं किया, वहां पर मूर्ति रख दी और यहाँ पर वो दोबारा लेके आए, ठीक है, यहाँ पर सब समझेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि महापद्म नंद जो है ये नंद जो शासक थे यहाँ पर सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मौर्य वंश से पहले, ठीक है, कौन सा था, नंद शासक थे, और ये शूद्रों का शासन माना जाता है, किसका, शूद्र वंश का शासन था। यहाँ पर आगे चलते हैं, दक्षिण भारत में यानी कि मुसिब नगर को ध्वस्त किया, ऐसा कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्पा अभिलेख से, वैनगंगा और कणवेरा ठीक है यहाँ पर महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो सातवाहन और आंध्र प्रदेश पर यहाँ पर
धावा करता है और पृथक संघर्ष नहीं हुआ था यहाँ पर, ये भी जानकारी मिलती है। और यहाँ पर बाद में क्या मैत्रीपूर्ण यहाँ पर संबंध बन गए थे। और यहाँ पर सातकर्णी जो थी, ठीक है, जो मराठवी वंश की यानी कि अंग वंश की कन्या थी, अंगीय वंश की कन्या थी, जो मराठवी वंश के यहाँ पर बोला जाता है वो कन्या थी, इसलिए यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण तो दक्षिण भारत में उसने कुछ नहीं, उसकी लड़ाई किससे थी, उत्तर भारत जिसे भारतवर्ष कहा जाता। और भारतवर्ष में इस समय कौन किसके अनुयायी थे या भरतवर्ष कौन है, तो वो हमारी मंजूश्री मूलकर से भी मिलता है। और वहां पर जो शासक थे वो ज्यादातर यानी कि बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जो दक्षिण में है, यहाँ पर भी जो नागार्जुन कोंडा पड़ी है वहां पर, और जो अमरावती है, ये अमरावती है, तो दक्षिणी भारत में भी वो किन पर आक्रमण कर रहा था, सातवाहन के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु काल में, यानी कि बौद्ध संस्कृति को के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यानी कि यहाँ पर ये जो है नागार्जुन अमरावती, ठीक है, यहाँ पर ये इक्ष्वाकु काल में ये बौद्ध संस्कृति के एक केंद्र से, तो यहाँ पर ये प्रमाणित होता है क्या इस समय जो जो यहाँ पर जो उत्तर पथ की जो बात कर रहा है उसको हम भारतवर्ष कह रहे हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए, और हम मैंने पूरा पढ़ा रहा हूँ इसको इनके वंशों से, जिससे कि आप स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर सातवाहन वंश को ले लीजिए, सातवाहन वंश का मतलब है दक्षिण भारत में जो आंध्र भारत कहते हैं। अब यहाँ से आप समझ जाओ, इसके क्वेश्चन भी आपको यहीं से आएंगे, पूरा मैंने सारांश दे दिया है यहाँ पर राजा सिमुख, ठीक है, के द्वारा, जिससे आप भ्रम में ना रहे। यहाँ पर ठीक है कर्ण, जो कर्ण वंश था, ठीक है, कर्ण वंश था 75 ईसा पूर्व, यहाँ पर जो है स्थापना किसने, वासुदेव ने की थी, ठीक है। इसको जो वासुदेव जो था, और इसको यहाँ पर देखेंगे वासुदेव का अंतिम शासक था, और यहाँ पर जो अंतिम शासक, ठीक है, सुशर्मा के पराजित कर दिया, यानी कि सुशर्मा को पराजित कर दिया था। किसको, जो अंतिम शासक था कहाँ का, कर्ण वंश का, और यहाँ पर सुशर्मा को पराजित कर दिया, किसने किया, यानी कि वसुदेव ने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि सातवाहन जो वंश है, पहला राजा ये था, फिर ये वसुदेव आया, वसुदेव ने समझेंगे जो कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा को पराजित कर दिया था, ठीक है, ध्यान आ गए। और फिर सातवाहन वंश की स्थापना, तो यहाँ पर ये पहला मानेंगे और इसको यहाँ हम दूसरा मानेंगे। और किस वंश के, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने और अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित करके ये यानी के सातवाहन। यहाँ पर निवास कहाँ था इसका, यानी प्रतिष्ठान में था, ठीक है, किसका, यानी कि वासुदेव का। इसे क्या कहते हैं, आंध्र जातीय या आंध्र भत्य कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध और जैन मंदिर बनाए, यानी कि ये समर परंपरा से रिलेटेड थे। यहाँ पर देखेंगे दोनों ही विचारों को मानते थे। और यहाँ पर सत्कर्णी जो प्रथम है नागानाग, ठीक है, नानाघाट का जो नानिका, ठीक है, नागानिका, ठीक है, नागानिका उसी के नाम पर है। और यहाँ पर जो पूना में ब्रह्मी लिपि में है, और ब्रह्मी लिपि ज्यादातर किसकी है, यानी कि बौद्धों की थी, ठीक है। रानी निगा अंगीय वंशीय राजकुमारी थी। यहाँ पर देखेंगे, और राजा ने अपने को महारथी, वहाँ पर दिया गया है, हाथी गुम्पा अभिलेख में भी ये शब्द आया है, महारथी यानी कि पत्नी नाम से रजत मुद्रा चलाई। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है, कैसा है, मात्र सत्तात्मक है। और यहाँ पर दो अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ भी किया, और इसको दक्षिणापथ स्वामी यानी क्योंकि दक्षिण भारत में थे, अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सत्कर्णी शक्त। यहाँ पर पहला सिमुख था, फिर वासुदेव, फिर कौन आए, सत्कर्णी आए। तो सत्कर्णी को आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर राजा हाल आए, फिर कौन आए, राजा हाल, और ये कवि और विद्वान थे, गाथा सप्त सप्ति इन्होंने ग्रंथ लिखा जो प्राकृत भाषा में, तो यहाँ पर भी देखिए प्राकृत भाषा किसकी थी, जैनियों की भाषा थी, या पाली और प्राकृत दोनों को बोलते थे, जो कि आम जनता की भाषा थी,
तो जैन और बौद्धों में थे। यहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और यहाँ पर जो व्रत कथा है इसको ध्यान रखेंगे, किसी ने लिखी पेशाची प्राकृत है और रचयिता है ठीक है गुणाधर। कातंत्र को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, इसको किसने लिखा यानी कि सर्वर्मन है, इनके दरबारी कवि थे ये यानी कि गुणाध्य और सर्वर्मन। आगे यहाँ पर हाल की पत्नी जो मल्लवती थी ठीक है मल्लवती ठीक है मल्ल देश की थी, ये यहाँ पर संस्कृत की के ज्ञाता थी। तो यहाँ पर ये सभी यानी कि लगभग सभी भाषाओं की जानकारी यहाँ पर रखने वाले थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर गोतमी यानी के पुत्र सतकर्णी 1006 से और 1030 के बीच में। तो हम बात करें हाथी गुंपा के समय में कौन कौन शासक करते थे जो खारवेल भारतवर्ष कह रहा या भारतवर्ष पर जो आक्रमण की बात कह रहा वो कहाँ तक यानी कि क्षेत्र फैला हुआ था। यहाँ पर देखेंगे जो सतकर्णी है इसको यानी कि एक ब्राह्मण कहा जाता है, एक ब्राह्मण शकों को हराने वाला भी कहा जाता है, यहाँ पर क्षत्रियों को दर्द करने वाला भी कहा जाता है, चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी इसको कहा जाता है। स्रोत कहाँ से मिलता है ठीक है, यहाँ पर स्रोत जो है ठीक है और यहाँ पर स्रोत माँ गौतम प्रजापति है ठीक है, इनका अभिलेख है, इनका अभिलेख है कौन सा नासिक प्रस्थी है। तो जो नासिक जो ये प्रस्थी है इनकी जो माता थी इनकी प्रस्थी है, इनसे ये जानकारी मिलती है ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो माँ है गौतमी बलश्री का अभिलेख है नासिक प्रस्थी से जानकारी मिलती है। साथ में यहाँ से जानकारी मिलती है कि राजा के घोड़े तीनों समुद्र तक पीते थे, पानी पीते थे, इसका मतलब है दक्षिणी वंश दक्षिण में यानी कि सातवाहन जो वंश थे उनका पूरा साम्राज्य था, यानी कि नीचे दक्कन में आप दक्षिण भारत में ले लीजिए तो वहाँ पर किसका है यानी कि ठीक है बंगाल की खाड़ी नीचे है ठीक है हिंद महासागर अरब सागर यानी तीनों समुद्रों का पानी पीते थे, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जोगल पंथी तो यहाँ पर ठीक है अब जो ये मृदभांड है नासिक में यहाँ पर क्षयरात वंश का उन्मूलन करने वाला कहा जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। आगे वेंकट वेणकंटक स्वामी की उपाधि और यहाँ पर वेणकंटक नगर की स्थापना करते हैं। आगे नासिक बौद्ध संघ को ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गौतम सतकर्णी है वो किसको भी मान रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आज की ठीक है आज काल की है ठीक है और यहाँ पर काले भिक्षु संघ को यहाँ पर कर्जक ग्राम इन्होंने दान दिया ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर जो आजकल ये दो ग्रामों को यानी कि दान दिया बौद्ध भिक्षु संघ को, एक तो कर्जक ग्राम और एक अजकलिया ग्राम और काले गुफा के संघ को ये गांव दिया और यहाँ पर अजकलिया ग्राम दिया नासिक के बौद्धों को यानी कि दान दिए। तो यहाँ पर जो राजा हैं वो क्या हैं दान भी दे रहे हैं। आगे देखेंगे उषाद दत्त नहपान है तो यहाँ पर कर्जक ग्राम को यानी कि द्वारा यानी कि बौद्धों को दान किया यहाँ पर जानकारी मिली। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए जो राजा हैं वो यहाँ पर क्या है सब बौद्ध के ज्यादा अनुयायी हैं ठीक है। अब इससे पता लग जाता है कि जो खारवेल जो कह रहा है जिसको भारतवर्ष है तो वो उत्तरापद के स्वामी और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पूरा यानी कि प्राचीन भारत को आप देख लीजिए कहीं भी वहां पर पूरा का पूरा बुद्ध के शिलालेख अभिलेख सब चीज मिलेंगे या राजा महाराजा मानने वाले मिलेंगे। इसका मतलब है खारवेल जो अपने हाथी गुंपा अभिलेख में भारत शब्द यानी कि भरत के लिए कहा गया है ठीक है, भरत यानी कि बुद्ध के लिए है वहां पर तथा और ऐसा प्रमाण मंजूश्री मूलकर से भी मिलता है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। आगे देखेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यहाँ पर देखेंगे इतने में 130 से इतने के समय इनको प्रथम आंध्र सम्राट, राजधानी कहाँ पर है यहाँ पर गोदावरी है, यहाँ पर रुद्र दामन को पराजित किया और कानेरी अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है और रुद्र दामन की पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया और अपनी मजबूत स्थिति कर ली। तो यहाँ पर देखिए उनका मेनली जो संकर्ष है वो खारवेल का किसके साथ था, उत्तरापद के स्वामियों के साथ है किसके पास और भरतवास को लेकर है।
आगे समझेंगे और उसी को कह रहे हैं वो यानी कि भारतवर्ष। आगे चलते हैं, यहाँ पर नासिक जो अभिलेख है दक्षिण पंथेश्वर सिक्कों पर दो अवतार, आप देखिए खुद पढ़िए इतिहास में भी सारी चीज मिल जाएंगे। अगर आप बेटर किताब है आपके पास तो सिक्कों पर दो पतवार वाले जात की यानी कि आकृति किसके सिक्कों पर थी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे यज्ञ सत्कर्णी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इसका समय इतना दिया है और सिक्कों पर जहाज का चित्र है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मछली का चित्र और संकट चित्र ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सातवाहन वंश के समाज और संस्कृति और प्रशासन के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर समाज कैसा था, देखिए मात सत्तात्मक था, ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में मात सत्तात्मक किस वंश का किस साम्राज्य का ठीक है शासन था, तो यहाँ पर मात सत्तात्मक सातवाहन को कहते हैं। ठीक है, दो रानियां हैं यहाँ पर नागानी की और गौतमी यानी कि बलश्री, जो कि प्रशासन में भागीदारी लेती थी। यहाँ में भूमिदान की प्रथा है थी इस समय, यहाँ सातवाहन वंश में बौद्ध और ब्राह्मणों को दोनों को भी दान दिया। और यहाँ पर देखें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सामंतवाद का पहला जन्म और यहाँ पर प्रथा का जन्म। सामंतवाद कहाँ से है कि भूमिकों को दान देने, तो पहला साक्ष्य सामंतवाद का यहीं से प्राप्त होता। आगे देखेंगे सिक्के, यहाँ पर अधिकांश सिक्के जो है किसके थे, पोटेन। ये पूछ लेता है कि यानी कि जो ठीक है शीशे के सिक्के किसने चलाए पहली बार, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और मात सत्तात्मक समाज किसका था ये भी पूछ लेता है, इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भूमिदान प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई यानी कि सातवां। सामंतवाद प्रथा कहाँ से आई ये समझिए, पहले शुरुआत की यहीं से, यहाँ पर ध्यान रखें। पोटीन के सिक्के, तांबे के सिक्के और कांसे के सिक्के भी इन्होंने चलाए। राजकीय भाषा क्या थी यहाँ पर, प्राकृत भाषा थी। लिपि कौन सी थी सातवाहन में यानी कि ब्रह्मी। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश जो था क्षत्रिय वंश का जो संस्थापक था इसको भी ध्यान रखिए, यानी कि श्री शांति मूलक थे, इसको पूछा जा सकता। आगे चलते हैं यहाँ पर शुंग वंश पर। शुंग वंश का जो है 185 ईसवी पूर्व और 75 ईसवी पूर्व का शासन रहा है और इसके संस्थापक माने जाते हैं पुष्यमित्र शुंग बांधे जाते हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे। और ऐसे जो धन देव का जो अभिलेख है उसको बताया जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि वो धनदेव तो पहले का है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर कोई ब्राह्मण शासक इस समय नहीं था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार यानी कि शुंग वंश को ठीक है वहां पर दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो इतिहासकार है वो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि शुंग वंश का शासन कौन था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग था। यहाँ पर जो मौर्य के ब्राह्मण था और यहाँ पर सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने अंतिम यानी कि शासक बृहदत्त की हत्या की, यानी कि मौर्य वंश के शासक के ये पूछ लेता है कि बृहदत्त यानी कि अंतिम मौर्य शासक कौन था बृहदत्त, उसकी हत्या किसने की और किस वंश की स्थापना की, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग था। आगे यहाँ पर बात करते हैं हर्षचरित के जो वाण भट्ट है उसमें वाण भट्ट द्वारा हर्षचरित जो पुस्तक लिखी है हर्षचरित वाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित पुस्तक, इसमें इसका वर्णन किया गया। तो मैंने यहाँ पर स्रोत भी दे रहा हूँ कि किस यानी कि जो पुस्तक है किताब है ग्रंथ है उसमें इसका यानी कि वर्णन किया गया, तो वहां पर आप समझेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर जो स्रोत है ठीक है धनदेव का जो अभिलेख है यहाँ पर इसको बताया जाता है कुछ के आधार पर ये पहले का है बात का नहीं है, यहाँ पर ये गलत जानकारी है कुछ यानी कि इतिहासकारों के आधार पर बताया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो इतिहास की किताबों में दे रखा हम वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ के आधार पर इसको पहले भी बताया जाता। यहाँ पर दो अश्वमेध यज्ञ व्याकरण और पतंजलि यहाँ पर पुरोहित इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि सुंग के समय में कौन थे पतंजलि थे और इन्होंने ठीक है पाणिनि के महाभाष्य लिखा था, पाणिनि की जो पुस्तक थी व्याकरण उस पर महाभाष्य किसने लिखा था, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पतंजलि।
और यहाँ पर जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उसमें पुरोहित का काम किया था पतंजलि ने, और यहाँ पे ये व्याकरण विद थे। आगे महाभाष्य थे मैं यहाँ पे महाभाष्य, यहाँ पे आगे चलेंगे इसको आगे पॉइंट पे लेके, महाभाष्य गार्गी संहिता और मालवी काग्नि जो नाटक है इससे मिलती है जानकारी के पुष्यमित्र सुम के समय में, यानी कि यवन आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, यवन आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इन ग्रंथों से प्राप्त होती है, ठीक है। इन तीनों ग्रंथों को ध्यान रखिए, यहाँ पर विदर्भ राजा ठीक है, इससे ये जानकारी भी मिलती है धनदेव से के विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था किसने, पुत्र मिश्र सुग ने, ठीक है। आगे चलते हैं, हाथी गुंपा अभिलेख पर आते हैं, यहाँ पर कलिंग यानी कि खारवेल, ठीक है। यहाँ पर खारवेल जो था मगध पर आक्रमण करता है, किस पर, मगध पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर जो पुष्यमित्र सुंग है, यहाँ पर देखिए हाथी गुंपा अभिलेख में क्या लिखा गया है कि खारवेल ने यानी कि पुष्यमित्र सुंग पर भी यहाँ पर आक्रमण दर्शाया गया है कि मगध पर उसने आक्रमण किया और इस समय यानी कि पुष्यमित्र का शासन था। यहाँ पर मालवी काग्नि जो मित्रम है, ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं पुष्यमित्र के बारे में, ध्यान रखेंगे सुंग वंश के बारे में। यहाँ पर यज्ञसेन के जो सचेरी बहन या और यानी कि पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के यानी कि प्रेम कथा आपने सुनी होगी, और प्रेम कथा जो कि मालवी काग्नि मित्रम है, ठीक है। मालवी काग्नि का मतलब है यहाँ पर जो अग्निमित्र जो मालविका है उसकी प्रेम कथा है, और जो मालविका कौन थी, यज्ञसेन की चचेरी बहन थी, जो कालिदास के जो ये नाटक है इसमें ये चीज को दर्शाया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लेता है कि मालविका किसने लिखी और इसमें क्या दिया गया, ये आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। दिव्यावदान में बोध ग्रंथ इसमें लिखा गया है कि पुष्यमित्र सुंग ने अशोक के 1800 स्मृतियों को तोड़ने वाला बताया है कि पुष्यमित्र सुंग ने ठीक है बौद्धों के इतने यानी कि स्पूतों को या बिहार या शिलालेखों को तोड़ दिया था। आगे मोरा अभिलेख से यहाँ से जानकारी मिलती है, पुष्यमित्र सिंह के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है, सुंग वंश के बारे में। और यहाँ पर विदेशी महिला द्वारा वसुदेव और संकर्षण और जो प्रद्युम्न और शाम और अनुरुद्ध की मूर्तियों का यहाँ पर स्थापना की थी, ठीक है, किसने, पुष्यमित्र सुंग ने। राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर पाटलिपुत्र यानी कि जिसे हम कुसुम ध्वज के नाम से भी जानते हैं, ये पहला नाम है कुसुम ध्वज, ठीक है, ध्यान है कुसुमपुर भी कहते हैं इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर बात करते हैं बेसनगर। तो देखिए जो पुष्यमित्र के सुंग के बारे में जो जानकारी है बेसनगर अभिलेख से भी मिलती है, विदिशे का मध्य, तो पुष्यमित्र के बारे में आप समझिए यहाँ पर। और क्वेश्चन आपके आते हैं परीक्षा में, यवन राजा हेलियोडोरस का, ठीक है, ये यवन जो बेसनगर का अभिलेख है विदिशा में मध्य प्रदेश में, ये यवन शासक हेलियोडोरस का कब का है, सुंग वंश के समय का, ये ध्यान रखेंगे। वहां पर सुंग वंश मैंने डाल दिया है, गरुड़ स्तंभ है यहाँ पर, यहाँ पर जो इसको ध्यान रखेंगे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी। और यहाँ पर भागवत धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया और विकास हुआ। आगे चलेंगे जो मनुस्मृति है के मनुस्मृति है के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई, तो ठीक है सुंग काल में ही मनुस्मृति आई जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक यानी कि ग्रंथ है। आगे चलते हैं यहाँ पे पुनरुत्थान और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था, लेकिन इस पर महाभाष्य जो लिखा था इस समय वो किसने लिखा था, पतंजलि ने। और पतंजलि कौन थे यानी कि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे जिसे वो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आगे यहाँ पर रांची स्पूत, अब देखिए एक एक तरफ क्या है जो उसमें दिखाया गया है कि वो एक धर्म तो क्या है क्या क्या कर रहे हैं कि बौद्ध स्पूतों को नष्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर बनवाए भी जा रहे हैं और उनका यानी कि निर्माण भी किया जाता है। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने लगता है कुछ चालाकी की है बहुत ज्यादा इसको लेकर के। यहाँ पर देखिए आप खुद देखिए इसको पढ़कर, और इनको सांची स्पूत है मध्य प्रदेश, कहाँ बौद्ध स्पूत है यहाँ पर,
और पाषाण द्वारा समर्पित कर इसका यानी कि जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, किसने, यानी कि सुंगवंश ने, यानी पुष्यमुत्त सिंह ने। बारहूत और बौद्ध गया के स्पूतों में तोरण द्वारों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ। किस काल में हुआ? सुंग वंश में हुआ। किस में हुआ? सुंग वंश में, यानी कि पाषाण जो है पत्थरों के द्वारा, यानी कि तोरण द्वार भी यानी कि सुंग वंश में स्टार्ट हुए। और जातक कथाएं, अंकन और लोक धर्म से संबंधित चित्र यानी कि सुंग काल में ही है। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म यानी कि यहाँ पर इससे ये जाहिर होता है कि बुद्ध धर्म को ध्वस्त भी हो रहा, तो कहीं निर्माण भी चल रहे। क्या है? निर्माण भी, यानी कि बुद्ध धर्म को अगर प्रक्रिया चल रही है किसी भी तरह से ब्राह्मणों के द्वारा, तो आप समझिए कि उसका निर्माण भी हो रहे हैं, पुरोद्धार भी कर रहे हैं और शासकों ही द्वारा ही कराए जा रहे हैं। आप समझिए इसको। यानी कि दो अन्य स्पूत हैं, यानी कि बुद्ध शिष्य सर्यपुत्र और महा, ठीक है, मोदलायन धातु, ठीक है, अस्थि अवशेष सुरक्षित है यहाँ पर, इनको ध्वस्त नहीं है कहीं। अंतिम शासक कौन थे यहाँ पर? देवभूति थे। कौन से? देवभूति थे। यहाँ पर देखेंगे सुंग वंश का अंतिम शासक मुस्ता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये थे अंतिम शासक देवभूति। की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी। किसमें? वासुदेव ने। और वासुदेव ने करके किसकी? कर्ण वंश की स्थापना की थी। किसकी? कर्ण वंश की स्थापना की थी। और कर्ण वंश वहां पर ध्यान रखेंगे, मैं पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ पर पीएम जो थे कर्ण वंश की स्थापना की थी यहाँ पर। और फिर बाद में सुधर्मा की हत्या करके यहाँ पर पीछे मैंने दे दिया वहां पर, आप देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, वहां पर ध्यान रखेंगे। और उसने जो वहां पर जो सुधर्मा जो सिमु का आया था, फिर सुधर्मा आया, फिर उसके बाद वो आया। ठीक है, वहां पर देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर चलते हैं छैरात वंश। ठीक है, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। प्रथम शासक नेपाल के उत्तराधिकारी, तो छैरात वंश के बारे में पूछे तो इसका यानी कि कौन था प्रथम शासक? भूमक था। कौन था? गे प्रथम शासक नेपाल का उत्तराधिकारी था भूमक था। छैरात वंश का प्रथम शासक ये था। नेपाल का दामाद कौन था? ऊषावदत्त था। ठीक है, बौद्धों को यहाँ पे दान दिया काल्य के यानी कि संघ, यानी कि इसका मतलब है कर्जक ग्राम देता है, वर्णा वास और प्रभास यानी ब्राह्मणों को भी दान देने का उल्लेख है यहाँ पर। समझेंगे कानेरी अभिलेख में ये सब इनका वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर शासक थे वो विभिन्न परंपराओं को मानते थे और ज्यादातर वो सभी बुद्ध से रिलेटेड है। यहाँ पर प्राकृत और जैन, ठीक है, कालकाचार्य कथानक है यहाँ पे, शक नरेश, ठीक है, शाही। और यहाँ पे जो उज्जैन के शासक का ध्यान रखेंगे विक्रमादित्य, ये फेमस है, जो कि हिंदू सम्राट के रूप में आजकल जाने जाते हैं। लेकिन ये कौन थे? यानी जैन धर्म ग्रहण किया था और इन्होंने शाकों को पराजित किया था 57 ईसा पूर्व। इसीलिए जो विक्रम संवत किससे आया है? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य से ही ये शब्द आया है, जो कि हमारे कैलेंडर में है, इसको ध्यान रखेंगे। विक्रमादित्य उज्जैन शासक, जैन को मानने वाले, 57, ठीक है, ईसा पूर्व, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। और साथ में ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि मालव संवत भी कहते हैं, जो मालवा प्रदेश है उसमें ये था। ठीक है, मालवा में। आगे ध्यान, इन्होंने यानी कि रोमन सम्राट सीजर की उपाधि दी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले कौन थे? विक्रमादित्य। और ये कौन थे? इनको आप ध्यान रखिए कौन थे? विक्रम, उज्जैन शासक विक्रम संवत या मालव संवत, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि। आगे ध्यान रखेंगे विक्रमादित्य की उपाधि किन शासकों ने धारण की? यहाँ पर चंद्रगुप्त ने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्तादित्य ने, स्कंदगुप्त ने। और चौदमा और अंतिम विक्रमादित्य यहाँ पर कौन था? इसको ध्यान रखेंगे, आदिल शाह सूर के वजीर या सेनापति कौन थे? हेमू थे। यानी कि तीन शासकों को ध्यान रखिए क्या किन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
यहाँ पर लेखक का निष्कर्ष देखे, यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ से पता लग गया होगा कि जब राजा खारवेल था, जो भारत और भारत शब्द की जो बात कर रहा है, उस समय यानी कि जो उत्तरापथ जो था या प्राचीन भारत, आप देखेंगे बुद्ध से लेकर के और यानी कि हर्षवर्धन के समय तक का जो पूरा जो काल, वो पूरा कैसा बौद्ध ही बौद्ध आपको नजर आएंगे, अशोक से लेकर के और सारे में आपको बुद्धि बुद्ध। तो उस समय की जो बात कर रहा है जो राजा खारवेल है, जो प्रमाणिक जानकारी है, जो पुरातत्व शास्त्र है, तो वो भरतवास किसके लिए कह रहा है और किस पर वो हमला कर रहा है, और भरतवास के खिलाफ यानी कि वो भरत जो है, भरत यानी बुद्ध, तथागत मतलब ज्ञान, ठीक है, इसका मतलब है वो भरतवास किसका है, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार किया और जहाँ पर बुद्ध यानी कि था, उनको यहाँ पर उनके खिलाफ वो यानी क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपना अभियान चला रहे हैं। क्या है अभियान? आक्रमण अभियान। आगे चलते हैं। ऐसा हाथी गुम्पा अभिलेख में आप जिसको भी कोई वो हो और जो कोई वहाँ पर जो ब्राह्मी लिपि को या प्राकृत लिपि को जानता है तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी ठीक है पंक्तियाँ हैं वो खराब भी हो चुकी है या ठीक है, लेकिन पहले जो कुछ जो अंग्रेजी इतिहासकार थे तो उन्होंने उनको अलग अलग प्रेस में, ट्रस्ट में और अपने अभिलेखों में वहाँ पर छापा है, तो वहाँ से वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे समझेंगे साहित्य क्या है, जो लेखक का क्या विचार है, क्या सुझाव है, इसको लेकर के निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर साहित्य पुरातात्विक साक्ष्य, प्राचीन भारत के सभी राजा महाराजा और चक्रवर्ती सम्राटों ने श्रवण प्रपना के अनुयायी थे। यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा हमें पढ़ने से ये जानकारी मिलती है, और यानी उपासक भी थे, शासक और प्राचीन बौद्ध विरासतों को भी बनवाया, बहुत धरोहर भी बनवाई, और यहाँ पर देखेंगे प्राचीन बौद्ध विरासत ठीक है पूरी संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। तो हाथी गुम्पा अभिलेख में वो उत्तरापद के स्वामी की जो बात कर रहा है वो सब किसके थे, बौद्ध के अनुयायी थे, और उसी को कहता है वो भारतवर्ष। आगे समझ में, भारतवर्ष पर उत्तरापद पर ठीक है दंड और गठबंधन और सुलह की तीन गुना नीति अपनाई थी राजा खारवेल ने जो अपने अभिलेख में, तो यहाँ से प्रमाणित होता है ठीक है, और मंजूश्री मूल कर से प्रमाणित होता है कि ये भारत जो भरत है शब्द है जो भारत है या भारतवर्ष कहाँ से लिया गया है, यानी कि बुद्ध की भूमि से लिया गया है, यानी कि बुद्ध से लिया गया। आगे समझेंगे खारवेल ने भारतवर्ष शब्द का उल्लेख, यहाँ पर भारतवर्ष का जो उल्लेख किया है, भारतवास का पुरातात्विक प्रमाणी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है, यानी कि भरत यहाँ पर आ गया, भरत यानी कि भारत ठीक है। तथागत बुद्ध का नाम मंजूश्री कुल मूल कल्प है, जो कि वहाँ की बौद्ध लाइब्रेरी है, यानी कि तिब्बत की यानी विजडम लाइब्रेरी में ये प्रमाणिक जानकारी आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं उसको पढ़कर। आगे समझेंगे शिलालेख में नमो अरहतो नमस्कार से प्रारंभ किया गया है, जो वहाँ पर जो सारांश हम निकाल रहे हैं तो वो यानी हाथी गुम्पा अभिलेख में, तो यानी कि यहाँ पर वो पाली भाषा भी है, पाली किसकी भाषा थी, बौद्धों की, और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि भी यानी कि ज्यादातर बोधिस्टी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने शिलालेख स्तंभलेख ये लिपि ब्राह्मी लिपि ठीक है खरोष्ठी लिपि अरमाइक लिपि बहुत सारी भाषाओं में अपने अभिलेख जगह जगह आपने सुना होगा कि पूरे भारत में और यानी कि पाकिस्तान ईरान तक वो अपने अभिलेख गढ़वाए थे, और वो पूरा क्षेत्र जो था यानी कि बौद्ध में ही था। गंधार कला का नाम सुने तो लिपियों की जननी कौन सी है, ब्रह्म लिपि है, इसी से सभी भाषाएं बनी है ठीक है। पाली और प्राकृत भाषा यहाँ पे प्रथम भाषा है, क्योंकि जो लिपि है, क्योंकि संस्कृत क्या है कि वो आपकी
बाद में पाणिनी के द्वारा लिखे, वो बहुत कठिन भाषा थी जिसको आम आदमी न समझ सकता था न समझ से वो परे थी कुछ, यानी कि जो जो ब्राह्मण लोग थे वो ही उस चीज को जानते थे। इसलिए अगर उन पर लिखना ओरल भाषा थी, अगर उन पर लिपि होती तो वो अपने ग्रंथों को वो पहले ही लिख चुके होके, ना कि गुप्त काल में। आगे समझ में, यहाँ पर उसके बाद ही लिखे गए। आगे जो है यहाँ पर पुराण वुराण वो बाद में पूरा संकलन, यानी कि रामायण महाभारत पुराणों का जो पूर्णतः संकलन हुआ वो गुप्त काल में जाकर के हुआ था। वो पहले कुछ कुछ चीज को बना करके फिर वो पोथा बना करके इकट्ठा कर दिया गया। तो यहाँ पे पाली भाषा है। आगे समझेंगे, इसको भी समझाएंगे कि ब्रह्मी लिपि सभी लिपियों की जननी है, खरोष्ठी भी वहीं से आई है। आगे जेम्स फिलिपिन्स ने इस बात को साबित करके दिखा है, जो कि अंग्रेजी इतिहासकार थे, जो कि पुरातत्व विभाग के थे, जिनको यहाँ पर खुदाई का दिया गया था, जो अशोक के अभिलेख है, आपने सुना होगा। जेम्स से कनिगम का नाम, टिफिन थेलर का नाम, ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने उस लिपि को पढ़ा था। आगे यहाँ पर चेत्या गुफा और के बिहार है, यहाँ पर आठ भागों में आपने पढ़ा होगा बुद्ध के आठ अवशेषों को आठ भागों में बांटित किया गया, तो वो पूरा प्रदेश क्या है, भारतवर्ष है। क्या है, भारतवर्ष है। तो इससे ये सीधा होता है, ठीक है, जहां देखो बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। आगे चलते हैं, ऐसे बुद्ध सनातनी, जो सनातन है, जो यहाँ पे धर्म ही सनातन है और सनातन धर्म नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है जो धर्म है वो सनातन है, सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन क्या है, एक परंपरा, वो क्या है, बुद्ध की परंपरा, और वो क्या है, श्रवण परंपरा है। और यहाँ पर जो श्रवण परंपरा है वो सुधारवादी है। कैसी है, सुधारवादी। इस चीज को ध्यान रखेंगे ये सा, और सनातनी जो धर्म है, जो ठीक है, जो श्रवण परंपरा में जो आता है, यानी ब्राह्मण परंपरा में आता है, वो सनातन तो ऐसा है ना, जिसका कोई आदि है ना अंत है, ठीक है, वो चीज है, शाश्वत है। और शाश्वत आप समझिए कौन कौन चीज हो सकती है, ठीक है, वो ब्राह्मणों के अनुसार आत्मा परमात्मा ऐसी चीज है, या ईश्वर या सूर्य ऐसी चीज है, या प्राकृतिक शक्तियां ही शाश्वत हो सकती हैं, बाकी यानी कि क्या है, नहीं होगा, ठीक है। तो वो उन चीजों को मानते हैं, उनको सनातन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सनातन कोई धर्म नहीं है, यानी क्या है, एक परंपरा है, ठीक है। और उस वो सुधारवाद की भी बात करते हैं कि आपको इसमें कोई सुधार गुंजाइश है तो वहां सुधार हो सकते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, गणराज्य गणतंत्र प्रणाली। तो भारत में डेमोक्रेसी कहाँ से आई है, बुद्ध के वहीं से आई है, ठीक है। और यहाँ पर तर्क और विज्ञान पर आधारित ये था, यानी कि बुद्ध के गणराज्य थे। यहाँ पर बुद्ध का दर्शन भी तर्क और विज्ञान पर आधारित है। क्यों है, तर्क और विज्ञान पर, ना कि पाखंडपन और कर्मकांड पर या अंधविश्वास पर नहीं है, वो तर्क और विज्ञान को महत्व देता। यहाँ पर जीवन शैली है, क्या है ये, सनातन का है, जीवन शैली है, और इसमें मानवतावादी समाज के विचारधारा प्रेरित होती है। और यहाँ पर बुद्ध ही क्या है, क्योंकि विश्व गुरु हैं, और बुद्ध को ही देखेंगे आप कि सभी जो ज्यादातर धर्मों में, भारत से ज्यादा विदेशों में माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर विश्व गुरु के रूप में, ठीक है। बुद्ध का काल ही अमृत काल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, मानवतावाद है, तर्क और विज्ञान की बात करता है, तो ये अमृत काल है, क्या है, यही अमृत काल है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध के अमृत काल को अपनाकर पड़ोसी देश भी यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। आगे चलेंगे, बुद्ध के पड़ोसी देशों ने क्यों अपनाया, यानी कि शांति अहिंसा सत्य का मार्ग, क्या बुद्ध का मार्ग है, और विश्व में शांति मानवता और भाईचारा और सभी धर्मों में बंधुता, और बंधुता का जो सिद्धांत है वो सब किसका है, बुद्ध का ही मार्ग है, किसका है, बुद्ध का ही मार्ग है। आगे चलते हैं, ये बुद्ध मार्ग है। आगे चलेंगे, लोकतंत्र की जननी भी यहाँ पर कौन है। अब देखिए हम चलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो जो लोकतंत्र, यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी है, वो हमारे जो माननीय श्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा
यानी कि भारत का समर्थन किया गया, किसका, भारत शब्द का समर्थन किया। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए इसको, अब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मोदी जी के द्वारा एक तो यानी कि लोकतंत्र की जननी की बात की गई है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र परंपरा कहाँ से थी, यानी कि बौद्धों की परंपरा है। यहाँ पर जो भारत जो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है यानी कि उत्तरापद के उसके लिए आ रहा है, और भारत शब्द का उन्होंने कहा कि बदेश को भारत शब्द से पुकारना चाहिए। आगे देखेंगे जो यहाँ पर जो भाजपा जो सांसद है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दिया दी कि क्या यानी कि भारत का एक नाम होना चाहिए, तो इन्होंने भारत कहा, ठीक है, भारत शब्द की बात की, लेकिन इंडिया का इन्होंने विरोध अपने याचिका में किया था, इसको खत्म करने की बात की। लेकिन जो इन्होंने वहां पर अपना जो विचार जो दिया था वो ऋषभ देव के पुत्र जो है भरत के नाम पर दिया था, लेकिन उसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है जो यहाँ पर इस वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसके प्रमाणिक स्रोत नहीं है, ठीक है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, और इतिहासकार भी इसको, ठीक है, ज्यादा अपने इतिहास में कोई वरीयता नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये सिर्फ ग्रंथों तक है, ग्रंथों तक ही है, आगे समझेंगे। यहाँ पर पुरातात्विक सामग्री नहीं है, और यहाँ पर जो आरएसएस जो प्रमुख है यहाँ पर उन्होंने भी कहा, ठीक है, कि देश को भारत के नाम से पुकारना चाहिए, और यहाँ पर जो संघ के लिए एक सनातन का मतलब, ठीक है, धर्म नहीं है, ठीक है, संघ के लिए सनातन का मतलब धर्म नहीं है, ये हमने एक अखबार की के द्वारा ये पढ़ा था, ठीक है, 10-15 दिन पहले ये अखबार निकला था, और पुणे में यानी कि संघ की एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक अखबार में के द्वारा दिया गया है कि संघ के लिए सनातन का मतलब धर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। आगे देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू जो मानता है, हिंदू क्या है, परंपरा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो यहाँ पर भी कहते हैं जो अब जो विचार जो चल रहा है इस पर सनातन को लेकर, तो यहाँ पर संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि जो सनातन है वो कोई धर्म नहीं है, इट मीन्स कोई परंपरा है, ठीक है, पहला सनातन की बात बहुत चल रही थी। आगे यहाँ पर जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यानी कि देश का को भारत शब्द को पुकारना चाहिए, और ऐसा उन्होंने G20 सम्मेलन में भारत शब्द आया था जब राष्ट्रपति मुर्मू को प्रार्थना पत्र दिया था, ठीक है, G20 में आने के लिए। यहाँ पर आसियान शब्द है, यहाँ पर जो भारत का प्रधानमंत्री यानी जो निमंत्रण दिया तो अपने जो आसियान देशों के साथ, तो उसमें भी शब्द दिया था भारत का प्रधानमंत्री, तो ये इसको हमारा कोई बनावटी नहीं है, ये यानी कि मोदी जो हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनके द्वारा कहे गए, या उनके द्वारा भारत आपने विभिन्न चैनलों पर भी सुना होगा। यहाँ पर देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न विदेशी मंचों पर, ठीक है, देशी मंचों पर कई बार अपने भाषणों में, जैसे कि अमेरिका के मंच से उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, ठीक है, अब इसको समझ जाइए, इसी से आपको क्लियर और स्पष्टता मालूम हो जाएगा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, इसके बुद्ध के देश से आया हूँ, ठीक है, बुद्ध के देश से आया हूँ, और यानी कि देश से आया हूँ, और वो अपने देश को क्या कह रहे हैं, भारत, क्या कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, प्रमाणित यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक तरीके से हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर का अर्थ है, अर्थ हुआ यहाँ पर भारत से आया हूँ, यानी कि बुद्ध ही भारत है, यानी कि जो बुद्ध है वही भारत है, और भारत ही क्या है, बुद्ध है, और ऐसी जानकारी जो प्रमाणिक स्रोत है मंजू श्री मूलकल्प से और हाथी गुम्पा अभिलेख जो खारवेल का, उससे ये सीधा प्रमाणित होता है, और ठीक है, और मोदी जी के द्वारा जो दिए गए भाषण है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो इसका मतलब इन शब्दों से सीधा ये प्रमाणित होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था और गणतांत्रिक व्यवस्था
किसकी परंपरा थी, यानी कि बौद्धों की ही परंपरा थी, गणराज्य थे। और यहाँ पर ये सभी का अगर हम मिलान करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब है कि जो भारत है, यानी कि भारत ही बौद्ध है और बौद्ध ही भारत है। भारत के बुद्ध की धरती से आया हूँ का मतलब है भारत की धरती से आया हूँ, यानी कि भारत हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। ठीक है, इन सभी को मिला करके निष्कर्ष निकलता है कि बुद्ध ही भारत है और भारत की भूमि। आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 19 दिसंबर 1960 को, अब देखिए आगे हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, सिंधु बेसिन को लेकर के चलते हैं। पानी नदी विवाद है, सब आप किताबों में आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक में आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जो भारत जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में पानी के विवाद को लेकर एक जो समझौता हुआ था, इसमें पश्चिमी नदियों का जो नियंत्रण था, यहाँ पर पश्चिमी नदियों में वो पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गई। और यहाँ पर कौन सी नदियां थी, ये थी, ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंध। यहाँ पर जो सिंधु बेसिन है, जो यानी कि पूरा सिंधु बेसिन है, उसका 47% पानी किसमें जाता है, यानी कि पाकिस्तान के अंतर जाता है। आगे चलेंगे, पूर्वी जो नदियां हैं, यहाँ पर देखेंगे मैं इनको क्यों पढ़ रहा हूं, और समझ लीजिए भारत के नियंत्रण में है। किसके पूर्वी नदियां कौन सी हैं, वो है रावी, व्यास, सतलज। यहाँ से क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं। यहाँ पर सिंधु बेसिन का 39% पानी कहाँ है, भारत में आता है। आगे 8% पानी इसका कहाँ पर आता है, यानी कि पानी, ठीक है, चीन 8% पानी यूज करता है, और यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, चाइना, इतरा, और यहाँ पर 6% पानी किसको, अफगानिस्तान को यहाँ से पहुंचता है। इसका मतलब है कि जो सिंधु नदी बेसिन है वो वहां तक अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, यहाँ तक ये फैला हुआ। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि सिंधु, अब देखिए क्योंकि जो सिंधु है, अगर हम अपने भारत का नाम कैसे रखें, यानी कि हिंदुस्तान, और कैसे रखें इंडिया, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल जाएगा पक्का पक्का। यहाँ पर देखिए सिंधु यानी कि एक संस्कृत शब्द है, और हिंदू जो है ये पारसी शब्द है, या ठीक है जिंद जो अवेस्ता है उस धर्म का है, ये है पारसी धर्म, जिंद अवेस्ता से यानी हिंदू कहा गया है। और यहाँ पर जो हिंदू हिंद है वो फिर इसका परिवर्तन हुआ यानी कि फारसी भाषा में, और फारसी में क्या कहते हैं, यहाँ पर पारसी या पहलवी, और ये कहते हैं फारसी, फारसी ईरान भाषा, यहाँ इसमें कहा गया हिंद। और हिंद और ये क्या है, आपकी विदेशी भाषा, क्या है यहाँ पर विदेशी भाषा। इसका मतलब है अगर आप अपने देश का नाम हिंदुस्तान रख रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी तो विदेशी ही शब्द है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सिंधु है संस्कृत है, और यहाँ पर जो इंडस है लेटिन शब्द है, यानी कि रोमन शब्द है, आगे समझेंगे, जो लेटिन भाषा से लिया गया। यहाँ पर जो इंडिका है, यहाँ पर इंडस, यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो हेरोडोटस, मेगास्थनीस जो ठीक है आए थे यहाँ पर, तो ये यूनानी शब्द है। वैसे ये इंडिका जो है मेगास्थनीस की पुस्तक है, वो इंडिका शब्द पहले आया, हेरोडोटस में भी आया, और ये कौन है, यानी कि यूनानी है, तो ये यूनानी शब्द, और कब आया, 4वीं शताब्दी में आया, चंद्रगुप्त यानी कि प्रथम के समय में, जो एक राजदूत के रूप में भारत में आया था, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये, यहाँ पर जो फिर इसी से इंडिका से जो बाद में 19वीं शताब्दी में इसका पुरानी अंग्रेजी में इंडिया नाम आया, फिर इसको ही आगे जा करके अंग्रेजों ने नाम दे दिया जो परंपरागत रूप से चलते रहे। ठीक है, आगे जा करके जैसे यहाँ पर हिंदू से आगे अकबर के काल में आते आते हिंदुस्तान एक बड़ा साम्राज्य बन गया, ठीक है, जिसमें मुस्लिम भी आकर के मिल गए। यहाँ पर देखेंगे जो इंडिया है, तो अंग्रेजों के आने से तो वो इंडिया बना, और यहाँ पर जो इंडिया शब्द है तो ये भी तो सब गुलामी का ही प्रतीक है, किसका है, गुलामी का प्रतीक है। और इन शब्दों का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी से, कहाँ से हो रहा है, सिंधु नदी से। और सिंधु नदी को आप देख रहे हैं कि वो किस क्षेत्र में फैली हुई है, तो देखिए क्या हमारा जो है ये एक तो विदेशी शब्द
और दूसरे जो इसमें जो सिंधु नदी है वो हमारा जो सिंधु अगर हम हिंदू लिखेंगे या इंडस रखेंगे या यानी कि सिंधु या इंडिया तो उसका तो यहाँ पार्टीशन हो रहा है। सिंधु नदी जो हमारा मूल नाम है उसके आधार पर क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। देखिए आपने देखला होगा कि पश्चिमी नदियां पूर्वी नदियां किसके, पाकिस्तान के नियंत्रण में, भारत के, तो ये भारत में भी बट रहा है ये इतना क्षेत्र, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना में भी जा रहा। तो ये जो शब्द सिंधु ये बटा हुआ शब्द है और विदेशियों का शब्द, तो इनको ना मान करके क्या एक नाम होना चाहिए, यानी कि तथागत बुद्ध के नाम पर, यानी कि वो यहाँ पर 18 सितंबर है यानी कि 1949 में संविधान निर्माताओं ने लंबी बहस की और उसके बाद हमारे भारत का जो नाम रखा था यानी कि भारत अर्थात इंडिया, जो कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में ये जानकारी दी गई है, पहले में आर्टिकल, ठीक है, या भारत कहो या आप इंडिया कहो, ठीक है, इस पर कई याचिका आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो निर्णय दिया है, जो डिसीजन जो दिए है अपने जजमेंट में, भारत कहो या इंडिया, और ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा है। लेकिन ठीक है, अगर सरकार को जो कुछ ठीक है तथ्य और साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भारत के नाम पर एक विस्तृत चर्चा करके सभी लोगों के धर्मों के लोगों को मिला करके और साहित्यिक और प्रमाणिक ठीक है जानकारी के आधार पर ठीक है विशेषज्ञों के आधार पर धर्म ग्रंथ को जो काल्पनिक और श्रुति के आधार पर उनको ना ले करके वो ऐसे ग्रंथ जो कि प्रमाणिक हैं और सच्चाई के साथ लिखे गए और पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर हमारे देश का नाम होना चाहिए। हम इस ठीक है विचार से पूरा देश यानी कि ठीक है बहस में ना पड़ के एक यानी कि विवाद को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको निपटाना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पर 1825 में मैं हाथी गुम्पा अभिलेख के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति है तो को आप पढ़ सकते हैं कि ये जो जानकारी हमने कहाँ से ली है वो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर 25 में नेतप्रति है क्रिटो के द्वारा, 37 में जेम्स पिरकेस के द्वारा प्रकाशित है, आगे जो इसका स्रोत है अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा है, एल बासम की यहाँ पर प्राचीन भारत है, और यहाँ पर जो लिया गया है यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे पढ़ लेना आप, काशिप प्रसाद जायसवाल और बनर्जी का प्राचीन भारत का इतिहास जिसे पढ़ना है वो पढ़ लेना, वो आपको हाथी गुम्पा अभिलेख की सही जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके आधार पर आप भारत और भारत देखा जाए तो यानी कि बुद्ध का ही भारत और भारत ही बुद्ध है। निष्कर्ष यहाँ पर कुषाण वंश को भी देखिए जब का समकालीन था, और यहाँ पर भीम कटफेसियस के बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है, इसको आप परीक्षा उपयोगी के आधार पर देखें। यूनानी और खरुष्टी लिपि यहाँ पर भीम कटफेसियस को लिखिए, शिव अनुयायी था और यहाँ पर ये सोने के सिक्के चलाए, शिव नंदी और त्रिशूल यानी कि जो शासक थे वो विभिन्न धर्मों को मानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। शासकों का कोई धर्म नहीं था, बस वो उसके अनुयायी थे, इस चीज को भी मैं आपको ध्यान। यहाँ पर जो कनिक्स हैं यहाँ पर 78 में शक संबत चलाया, इसको ध्यान रखेंगे। चतुर्थ बोध संगति, राजधानी पेशावर, चेत्र बिहार के जो वास्तुकार था वो कौन था, अंगिलर था, मथुरा ठीक है को भी राजधानी बना, वासुमित्र भी इनके समय में दार्शनिक थे जो कि चौथी बोध संगति में रहे थे, अश्वघोष यानी उपाध्यक्ष रहे थे, यहाँ पर वो अध्यक्ष रहे थे वासुमित्र, नागार्जुन बौद्ध थे ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बौद्ध थे। यहाँ पर चरक संहिता चरकनिक के द्वारा लिखी गई, इसको ध्यान रखेंगे। अंतर्राज्यीय साम्राज्य था यानी कि चाइना तक ये फैला हुआ था, पूरे ईरान वहां से पूरा गांधार मूर्तिकला और भारत का बंगाल की खाड़ी तक ये पूरा साम्राज्य कुषाणों का साम्राज्य था, उत्तरापति था, और उस उत्तरापत को ही किसने कहा है यानी कि के जो है वहां पर खारवेल के बारे में भारतवर्ष, ध्यान रखेंगे भारतवर्ष, अब भारतवर्ष भारत का मतलब वहां से प्रमाण। बुद्ध की खड़ी मूर्ति मिलना,
ठीक है, साको बुद्ध का यहाँ पर चंद्र के आकर, तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, आपको इससे प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि तथागत बुद्ध की भूमि है जिसे ही भारत कहा जाता है और भारत शब्द वहीं से आया, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है। और इस पर अभी चर्चा और विस्तृत चर्चा की बहुत जरूरत है। हमने एक अपने हिसाब से एक निष्कर्ष निकाल करके ये निकाला है, आपकी इसमें क्या राय है, आप कितना मानते हैं या कितना नहीं मानते या इस राय से कितने सहमत हैं, वो अपने कमेंट में बताएं, ठीक है। सहमति यानी कि हमारा सुझाव है, यानी कि और सुझाव सुझाव होता है, और सुझाव ठीक है, कोई भी अपने अपने मत रख सकता है, ऐसा हमारा भारतीय संविधान भी देता है। तो हमारे जो मत के अनुसार जो हमने निष्कर्ष निकाला है, हम उसकी आपको ठीक है जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। आप इससे कितने सहमत हैं नहीं सहमत हैं वो आप पर निर्भर करता है, आप कितना, लेकिन और भी इस पर बहस की ज़रूरत है, और भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश में विद्वान हैं, हम कहीं भी खड़े नहीं होते, लेकिन हमने एक दृष्टि से इसको निकालने की कोशिश की है। तो कोई भी अपने ठीक है इस बात को ठीक है जहन में ना लेकर इसको एक यानी कि टीचर के आधार पर दिया हुआ ज्ञान समझें, ठीक है। किसी की भावना को आहित करने के लिए हमने ये ठीक है जो वीडियो नहीं बनाया है, ये जानकारी हेतु बनाया है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।